नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहीद दिवस पर महान स्वतंत्रता सेनानी राम तालुराम की स्मृति में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुए संघर्ष को ही आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इस संघर्ष में बहादुर शाह, तुलाराम और राम गोपाल देव आदि लोग शामिल हुए थे। राम तुलाराम की वीरता को हरियाणा सरकार भी सम्मान देती आ रही है। देखिए, पूरे देश का परिणाम अभी सबके सामने आया। 303 सीट भाजपा ने अकेले जीती, 3.5 सीटों से ज़्यादा पूरे एनडीए ने जीती, और उसी का परिणाम जो हमारा सुशासन है, जो मतदाता का हमारे प्रति प्यार है, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति प्यार है। कल अमेरिका के अंदर जो पूरा देखा कि 56 इंच का जो सीना था, वो 156 इंच का पूरे दुनिया के अंदर भारत का सीना हुआ है, उसका सुखद परिणाम है। तो उससे रेवाड़ी भी अछूती नहीं है, पूरा हरियाणा अछूता नहीं है। इस बार पूरे हरियाणा में भी जे मोदी जे मनोहर, और रेवाड़ी में भी जे मोदी जे मनोहर। गुजरात के सूरत में बुरी संगत ने एक बच्चे को मुसीबत में डाल दिया। दरअसल एक बच्चे ने अपने ही घर में 60,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल कुछ बच्चों के कुछ दोस्त उसे स्पा सेंटर लेकर जाते थे, इसके साथ ही वो कई बुरी संगत में पड़ गया था, जिसके चलते उसने दोस्तों ने उसके घर से पैसे लाने की बात कही। फिर बच्चे ने घर से 60,000 रुपए चुराए और अपने दोस्तों को दे दी। जब बच्चे ने सारी हकीकत अपने पिता को बताई तो पिता ने बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराई। वहीं बच्चे ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुना पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दाखिल थी, जेमा फरियादी है एमना पुत्र ने एना नजीकना मित्रों से एने नजीक में कोई जगह एक जगह स्पामर लई गई और वीडियो उतारी दिया करो, एनी वीडियो वायरल करने धमकी आपी और लगभग 8,70,000 रुपया जितना पड़ावी लीधेला था और जानती मारी नाखा धमकी आप। आ बाबत गुनो नोधायेलो है। चार एक जे तोहमतदारों से पुना पुलिस मार्फते धरपकड़ कर। सूरत में कुछ दिनों पहले SBI बैंक के बाहर दो अनजान लोगों ने कैश की गाड़ी से 20 लाख रुपए की चोरी की थी। उसके बाद सूरत की क्राइम ब्रांच टीम ने इसकी जांच शुरू करी है। वहीं क्राइम ब्रांच टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपी दिल्ली और हरियाणा से पकड़े गए हैं। वहीं आरोपियों में से चोरी के 3,70,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सूरत शहर के अंदर चौक बाजार के पास एक SBI बैंक के नज़दीक में एक जो कैश वैन, जो कैश लोडिंग का काम करते हैं, उसमें से नजर चुका के कुल 19,50,000 रुपये की चोरी हुई थी। यह चोरी में CCTV फुटेज देखने के बाद सूरत शहर क्राइम ब्रांच को यह मामला में जो इन्वॉल्व गैंग है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की गैंग होने की पूरी माहिती मिली थी, और उस आधार पर यहाँ से हमने एक टीम तमिलनाडु भेजी थी और बाकी की टीमें राजस्थान महाराष्ट्र और दिल्ली के तरफ भेजे थे। उसमें से हमको जो CCTV फुटेज जो मिले थे उसके आधार पर यह जो गैंग है उनको हमने हरियाणा राज्य के पलवल रेलवे स्टेशन के पास से ट्रेन में से कुल 7 लोगों को पकड़ा है। गुजरात के अमरेली में भंडारिया हनुमान मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद में जाने माने क्षत्रिय समाज के लोगों को भी न्योता दिया गया। आपको बता दें, इस मंदिर में सालों पुरानी मूर्तियां स्थापित हैं। यहां दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं और मान्यता है कि चमत्कारी मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक की पड़ोसी पिता पुत्र ने चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने पड़ोसी के यहाँ अपने भाई को गंगा स्नान के लिए ले जाने से मना करने पहुंचा था। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया पंचायत की है। घटना से नाराज लोगों ने टायर जलाकर सड़क जाम कर हंगामा किया। स्थित उमर नाम के एक व्यक्ति जो कि 20 वर्षीय नौजवान थे, उनको आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विवाद का कारण ये था कि उनके छोटे भाई को सामने वाला गंगा जी में स्नान करने ले जाता था डेली, और इसी के लिए वो पड़ोसी होने के नाते बात करने गया कि वो तैराकी नहीं जानता है, आप उसको ऐसे मत ले जाइए। उसी में वो आवेश में आकर के उस पर चाकू चला दिया और चाकू बिल्कुल छाती के बाएं साइड में लगा है, और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कई लोगों का बयान ले चुका है। FIR की प्रक्रिया चल रही है, और निश्चित रूप से यह मेरा सभी से मीडिया बंधु से भी मैं ये वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके निसंदेह बहुत कड़ी कार्रवाई। बेगूसराय में दिन दहाड़े घर के पीछे खिड़की काट कर चोरी का प्रयास कर रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के फलमंडी के पास की है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवक के बैग से खिड़की का लोहा काटने का ब्लेड, नकली पिस्तौल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है।
बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन से सटे गांधी आश्रम की हालत बेहद चिंतनीय है। यह स्थल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में माना जाता है। महात्मा गांधी 1934 में खुद यहां पधारे थे। इसके बाद इस स्थल का नाम गांधी आश्रम पड़ा। यहां मुख्य सड़क कचरे से ढह गई है। वहीं सड़क किनारे चलाए जा रहे पाइपलाइन बिछाने के काम से भी जो सड़क बनी हुई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। पाइप गाड़ने के लिए सरकार असुविधा बना दिया, पूरा रोड को खंडर बना के रख दिया। दम कचरा से जो है सो पूरा रोड जाम है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आदमी मने एकदम अभी अगर कोई सीरियस हो जाए ना तो घर में मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास उसको लोग नहीं ले जा सकता है, ये स्थिति बना हुआ है। और ऐसे डेली आदमी यहाँ गिरता है, जिसका पैर टूटता है, क्या करता है। पूरा यहाँ का वार्ड कमिश्नर से लेके पूरा तब का कोई इसका कोई ध्यान नहीं है। अभी हाल फिलहाल में नाला का अति किया है, जिसमें पूरा रोड उजाड़ दिया गया है और चलने फिरने बच्चे उच्चे किसी को मतलब बहुत बुजुर्ग को बड़ी परेशानी हो रही है। यूपी के बदायूं में वेल्डिंग करते समय एक हादसा हो गया। यहाँ आवास विकास डाइट के सामने एक वेल्डिंग की दुकान लगी है और यहाँ जाल और कबाड़ पर वेल्डिंग की जा रही थी। वहीं वेल्डिंग करते समय यहाँ खड़ी एक एक्टिवा में आग लग गई। आग लगने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं लोगों का आरोप है कि दुकान मालिक ने सड़क पर अतिक्रमण फैला रखा है और सड़क पर ही वेल्डिंग करता है, जिसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा अनुष्का पांडे की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मामले पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं इससे नाराज होकर अनुष्का के माता पिता भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। यूपी के बरेली से एक प्रेम प्रसंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहां वीडियो के माध्यम से लड़का लड़की अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि लड़की घर से करीब 8 लाख रुपए लेकर और सोने के जेवर लेकर फरार हो गई। इसके साथ ही युवती के पिता ने युवक पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप भी लगाया है। वही मामले पर युवक का कहना है कि वो शादी की बात करने लड़की के घर गया था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे भगा दिया। वही युवती का कहना है कि वो अपनी मर्जी से भागी है। एमपी के शिवपुरी में कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना राजकुमार चिडार नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया। वही पूछताछ में इसने अपने दो अन्य साथियों के साथ शहर में 5 चोरी की वारदातों को कबूला। इस चोरी की वारदात में जिला कौशल्य में चोरी का प्रयास भी शामिल है। इसके पास से पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा राउंड भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से 65,000 का माल जब्त किया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। शिवपुरी और आसपास के जिलों में इनके बारे में पता नहीं की जा रही है। इसमें जो हमारे एसडीओ के वन्ना शर्मा, इन्होंने यहाँ से पीआई सतीश चौहान और इंस्पेक्टर अरविंद राजपूत जो जनवर में, इनकी टीम भी लगा रखी थी ग्वालियर में जाता, तो वहाँ पे पता लगा कि इस तरह का मिलता जुलता जो उन्होंने एक दो है जो अलग तरह के हस्पिटल में जनरली रहता है और उनमें कुछ महिला इस तरह की घटना करती है। इससे बारीकी से पता रहती करके हम दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, अनीता जाटव को और अनीता जाटव को। जैसे कि 20 स्टॉप से मिले हैं, 82 ग्राम की रिकवरी हुई है। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र स्थित पानी की टंकी से कूदकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा का नाम साक्षी तिवारी बताया जा रहा है, जो स्थानीय साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं प्रियदर्शनी कॉलेज में रहती थी। जब स्थानीय लोगों ने छात्रा को पानी की टंकी पर चढ़ा देखा तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने भी छात्रा को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते छात्रा पानी की टंकी से नीचे कूद गई। हालांकि खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। जी है, 16-17 साल की है, वो टंकी के ऊपर चढ़ गई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हम फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे। बच्ची से बात करने के काफ़ी प्रयास किया कि बेटा नीचे आ जाओ, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि अगर कोई ऊपर आएगा तो मैं नीचे से कूद जाऊँगी, ऐसे एक्सप्रेशन में समझ में आ रहा था। तो मना कर रही थी मुझसे ऊपर मत आओ और मुझसे बात मत करो। हम लोगों ने जाली वाली की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बिना कुछ कहे बिना कुछ करे उसने एकदम से नीचे कूद गई। साइड किया है बच्ची ने, लेकिन अभी जाँच चल रही है। जैसे ही जाँच में जो मामला सामने आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पटना में ब्लू पेटल्स होटल पाटलिपुत्र में जनमित्र ग्लोबल फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर दुकानदार संघ के अध्यक्ष सहित फुटपाथ दुकानदार के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि ये संस्था झुग्गी झोपड़ियों व फुटपाथ दुकानदारों के सहयोग करती है। इस मौके पर भाजपा के सांसद ने सरकार में होते हुए भी उन फुटपाथ दुकानदारों के समर्थन में कहा कि हम उन गरीबों के साथ हैं और उनका सहयोग करते हैं, आगे भी हर संभव कोशिश करेंगे। यूपी के सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।
यहां पुलिस ने रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान मोबाइल बेचने के फिराक में खड़े दो चोरों को धर दबोचा, जिनके पास से 30 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी रामकोट क्षेत्र निवासी हैं। वहीं दोनों आरोपियों के विरुद्ध उचित धारा लगाकर जेल भेज दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे नवतेज टीवी। ये जनपद सीतापुर और कोतवाली पुलिस को एक दो सातरे मोबाइल खरीदने वाले चोरी का मोबाइल खरीदने वाला एक गैंग मिला है। इसमें दो लोग एक रामकोट के रहने वाले हैं। लगभग 30 स्मार्टफोन से अलग अलग कंपनीज का इन लोगों से बरामद हुआ है। आगे भी इस इन्वेस्टिगेशन पे देखा जाएगा, इसमें कितना भी इस गिरोह के बारे में पता करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनके कोतवाली सीओ क्राइम स्वाट और एक्सलेसमी नॉर्थ के उनके इसमें एफर्ट से ये काम हुआ है। आगे भी काफ़ी मोबाइल चोर का गैंग वर्कआउट करने में प्रयास में लगे हुए हैं।